हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग पिछले पार्ट में वर्क एनर्जी एंड पावर जो स्टार्ट किया था, उसमें थोड़ा सा हम लोग वर्क को तो समझे थे। आज फिर उसको दोहराते हुए यानी रीस्टार्ट करते हुए वो देखेंगे। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस डिस्प्लेस्ड इन इट। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है और वो बॉडी डिस्प्लेस्ड करता है तो हम लोग कहते हैं कि वर्क हुआ है। इसका मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे एफ फोर्स लग रहा है और वो बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रहा है एस डिस्टेंस से, तो हम कहते हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। अब इस पे वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर होगा तो जीरो हो जाएगा वर्क, आपको बताए थे। 180 होगा तो निगेटिव होगा डायरेक्शन, यानी मूव करेगा एंगल। जब ये 180 बनाएगा डिस्प्लेस्ड करते हुए तो निगेटिव होगा। जीरो एंगल अगर नहीं बनाएगा, जीरो एंगल बनाएगा तब इसका क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए इसका यूनिट हम लोग समझते हैं, यूनिट SI, यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा बाबू, जूल होता है, जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अब देखो ये जूल, वन जूल कैसे पता चलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज पे वन जूल वर्क हुआ है। देखो यहाँ पे W इक्वल टू आपको दिए हैं एफ एस, आप ये फोर्स का यूनिट जानते हो। अब ये वर्क का यूनिट वन जूल समझ गए, जूल समझ गए। तो वन जूल वर्क कब होगा, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, वन न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। अगर किसी देखो यहाँ वन से वन में मल्टीप्लाई करोगे तो वन ही ना होगा। इफ वन न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस एन वन न्यूटन फोर्स अट्रैक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी प्रोड्यूस इन वन मीटर, देन द वर्क इज वन जूल। यस या नो? यस। जब किसी बॉडी पे एक न्यूटन का फोर्स लगेगा और वो बॉडी एक मीटर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा तो उस पर हम लोग कहेंगे कि उस बॉडी के द्वारा एक जूल वर्क हुआ है। समझ में आया? अब जरा देखो कुछ कंडीशन समझते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि 5 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग करके उसे 5 मीटर डिस्प्लेस्ड कर दिया, तो आपको F दिया है 5 न्यूटन, S दिया है 5 मीटर, तो कितना वर्क हुआ, तो आप आसानी से बता सकते हो। कहोगे सर 25 जूल वर्क हुआ। कैसे देख लो, अब हम लोग तो समझ गए हैं W इक्वल टू F S, तो W इक्वल टू 5 न्यूटन इंटू 5 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 25 न्यूटन मीटर आएगा। तो ये न्यूटन मीटर ही ना जूल होता है, तो 25 जूल वर्क हुआ है। यानी आप वर्क निकालना आसानी से समझे। अब देखो इस पर का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसे आप लोग सॉल्व करोगे। देखो इधर उधर चला गया टॉपिक, देखोगे इसका डायमेंशन भी राइट कर लीजिए। इसका डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन भी आपको सिखाएंगे। डायमेंशन होगा ML²T⁻²2। अगर कोई कहेगा कि वर्क का डायमेंशन क्या होगा तो आप कहोगे ML²T⁻²2। ओके, अब देखो तो आप अगर फोर्स दिया रहे, डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तीनों कंडीशन में से कोई एक दिया रहे तो एक आसानी से आप निकाल सकते हो। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क वी नोन एज पावर, कार्य करने की क्षमता, द रेट ऑफ डूइंग वर्क
कार्य करने की क्षमता की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क वी नोन एज नॉन एज पावर, ओके। इट इज डिनोटेड बाई पी, इट इज डिनोटेड बाई पी। पावर को पी से डिनोट करोगे, पी। अगर देखो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, अगर वर्क डब्ल्यू हो रहा है टी समय में, अगर वर्क डब्ल्यू हो रहा है टी समय में, तो हम लोग कहेंगे पावर का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन टी। एसआई यूनिट ऑफ पावर देख लो बाबू, एसआई यूनिट ऑफ पावर होता है वाट। वाट अब अगर कोई कहेगा वन वाट, तो देखो यहां पे पावर इक्वल टू जूल, तो वन वाट इक्वल टू वर्क यूनिट जूल, तो वन जूल प्रति वन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी वाट इक्वल टू, वाट इक्वल टू वन जूल पर सेकेंड। ऐसे भी राइट कर सकते हो, कोई कहेगा पावर वन वाट, यानी वन जूल एनर्जी प्रति सेकेंड खर्च हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो आप कहोगे कि उस ऑब्जेक्ट का जो क्षमता है, पावर है, वो वन वाट का है। अगर 5 जूल पर सेकेंड होता तो कितना वाट का बल्ब होता? 5 वाट का बल्ब होता। तो आप किसी बल्ब का पावर आसानी से निकाल सकते हो, एनर्जी अगर खपत हो रहा है, टाइमिंग आपको दिया रहे। तो ये सिंपल में क्वेश्चन आपको नहीं दिया रहता है, ये जूल जो है इसकी वैल्यू कुछ अलग दे दी जाए, टाइम को आवर में दे दिया जाए, तो आपको सेकेंड में इसको बदलना ही बदलना होगा। एक चीज और लिख लो यहीं पे पावर वाले कंडीशन में, नोट में नोट कर लोगे, नोट करोगे बाबू, वन एच पी इक्वल टू 746 वाट। मशीन का पावर, बड़े बड़े मशीन का पावर इसमें निकाला जाता है, ओके। अब देखो वन वाट सेकेंड हो जाएगा वन जूल, वन वाट आवर, देखो वन वाट आवर हो जाएगा, तो इसको सेकेंड में बदलोगे ना, वन इंटू वन आवर में कितना सेकेंड, 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा जूल, जूल। अगर कोई वन वाट का बल्ब वन आवर तक जलता है, तो इतने जूल का एनर्जी वो क्या करेगा, खपत करेगा। या फिर कोई बल्ब 3600 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है वन आवर में, तो उसका पावर वन वाट होगा। नेक्स्ट है 1 किलो वाट आवर, तो 1 किलो में देखो पहले समझ लो, 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट, ओके। 1 किलो वाट आवर तो हो जाएगा 1000 वाट इंटू कितना जूल, ये जूल का है कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3.6 × 10⁻²² 3251 जूल एनर्जी होगा, यानी 1 किलो वाट आवर इक्वल टू इतना जूल एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। इसी का बिल हम लोग पे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग इसी टॉपिक के साथ अगले दिन। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।